As the sun was rising on the 4th of April, days and weeks and years have been bypassing. I was stuck in this love being too faithful, so young and dumb I never learned it. Mama told me you should never play with the heart, maybe I should told you. Wow, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, आपका भाई भी ठीक है। सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अब सुबह का टाइम और अभी टाइम हो रहा है 7। तो दो दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश हो रहा है। आप लोगों को शायद पता ही होगा, मेरा पीछे का जो व्यू दिख के आप लोगों को शायद पता ही चल गया कि कितना बारिश हो रहा है। तो अब मॉर्निंग का टाइम है, अभी भी देखिए वेदर इतना अच्छा नहीं है। जो मैं जाने वाला हूँ, मेरा पीछे आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, वो जो हिल दिख रहा है ना, वो पे जाके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ऊपर से व्यू कैसा दिख रहा है और वगैरह वगैरह वगैरह। ऊपर से आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कैसा है और क्या क्या है क्या नहीं है। तो चलिए ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं, आप लोग ब्लॉग पर बने रहें क्योंकि ब्लॉग बहुत मजा दे रहा है। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। देखिए ये पहाड़ का व्यू नीचे से कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए बहुत अच्छा है, मस्त लग रहा है। थोड़ा वाइट कीजिए, मैं जूम कर रहा हूँ, जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये बहुत दूर से दिखा रहा है आप लोगों को, फाइनली ये टुकराबंदा हिल के बगल में आ गया हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को देखा जाए कि ये इसका व्यू कैसा है, सोचा कि ऊपर जाके भी दिखाने वाला हूँ। तो ब्लॉग पे बने रहिए, ब्लॉग बहुत मज़ेदार होने दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऊपर जाना पड़ेगा आप, डर लग रहा है। मैंने पहली बार जा रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोग ब्लॉग पे बने रही है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए कितना जंगल है, पता नहीं किधर से जाना पड़ेगा। तो डर लग रहा है किधर से जाना पड़ेगा पता नहीं, तो चलिए कोशिश करते हैं, शायद इधर से जाना पड़ेगा। ना जंगल है वे, आप लोग ब्लॉक पे बने रहिए, डर लग रहा है इतना जंगल है। अबे यार इतना जंगल है, मैंने तो पहले कभी नहीं सोचा कि ऐसा है। तो चलिए ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं ऊपर से व्यू कैसा है। मज़ा आ रहा है लेकिन थक गया हूँ क्योंकि आप लोग देखिए कितना जंगल है, थक गया हूँ भाई। आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए, मैंने बहुत मेहनत करके ये ब्लॉग बना रहा हूँ, डर भी लग रहा है अचानक से, पता नहीं किसका आवाज़ आ रहा है पता नहीं। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। रुकिए आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाती है इधर से नज़ारा कैसा, देखिए इतना देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छा है, मस्त लग रहा है ना, नेचुरल नेचुरल ऐसा लग रहा है।
तो आप लोग देखिए, मैंने काफ़ी दूर आ गया हूँ और ज़्यादा दूर नहीं है, फ़िलहाल पहुँचने वाला हूँ। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए, चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। व्यू तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत थक गए हो भाई। तो इधर से सोचा कि आप लोगों को नीचे का व्यू नज़ारा किस तरह दिख रहा है थोड़ा दिखा जाए। तो देखिए, और भी ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए ऊपर से नीचे का व्यू, देखिए और भी ऊपर जाना पड़ेगा। तो चलिए, बहुत थक गया हूँ, तो चलिए यहाँ पे बैठते हैं, रेस्ट करके फिर चलते हैं। पहले रुकिए, थोड़ा देर रेस्ट करें। इधर एक ये है, इसके ऊपर बैठते हैं। बहुत गर्मी लग रहा है, पता नहीं यार ऊपर क्या क्या है नहीं है। थोड़ा आराम करके फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करा जाए। तो मैंने रेस्ट करने के बाद फिर मिलते हैं ब्लॉग। चलिए, तो चलिए थोड़ा देर रेस्ट किया और फिर चलते हैं। एक कैसा रोड बनाया अभी, थोड़ा देर पहले बारिश हुआ इसलिए जाने में दिक्कत हो रहा है। थोड़ा देर पहले बारिश हुआ तब भी इतना गर्मी ना, गर्मी इस वजह से लग रहा है कि मतलब नीचे से ऊपर आना है ना, इतना हाइट है आपको और क्या बताओ। देखिए यहाँ पे रोड बना हुआ है, मतलब इतना अच्छा रोड नहीं है, सिर्फ वो मिट्टी अच्छा से ये कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते, डर लग रहा है, पता नहीं ऊपर क्या क्या देखने में मिलेगा। मैंने ये सोच के नहीं आया कि ऊपर बहुत कुछ देखने को मिलेगा, मैंने ये सोच के आया कि ऊपर से मतलब मेरा गांव का जो नज़ारा है ना, मेरा गांव का जो व्यू है, नेचुरल व्यू, वो कैसे दिखेगा, यही देखने के लिए आया हूँ और सोचा कि आप लोगों को दिखा जाए। देखिए कितना हाइट है, बहुत ज़्यादा हाइट लग रहा है, पता नहीं और कितना जाना पड़ेगा। फिलहाल और हाफ एन आवर ऐसा लगेगा। तो चलिए, देखिए इधर से मेरा गांव का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है। तो चलिए और भी ऊपर जाके आप लोगों को दिखाते हैं कि अपना गांव का ऊपर से व्यू कैसा दिखेगा। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया, आप लोगों को ब्लॉग को ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
इतना जंगल है कि और क्या बताओ, बहुत जंगल है। देखिए ना, थोड़ी देर पहले बारिश हो, आप धूप निकल रहा है। देखिए सूरज मामा का चेहरा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिला, पता नहीं आपका लैंग्वेज में क्या कहती है, लेकिन मेरा लैंग्वेज में तो ये लज्जापति कहती है। तो देखिए कि यहाँ पे कितना है, आप लोग पहचान रहे हैं ना। देख ले इसके सूते है, ये देखिए कैसे हो गया, बहुत सारा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कितना है ये सब। बहुत मज़ा आता है इसके साथ खेल के, है ना। तो फ्रेंड्स, मैंने फ़िलहाल पहुंच गया हूँ, मेरे को उधर जाना है, वो जो दिख रहा है ना आप लोगों को, उधर जाना है, और भी जाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर से कुछ नज़ारा ऐसा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने फाइनली पहुंच गया हूँ ऊपर, एकदम टॉप। तो देखिए ऐसा दिख रहा है कुछ। तो फ्रेंड्स, मैंने फाइनली पहुंच गया हूँ, देखिए आप लोग, वाह बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। रुकिए, आप लोगों को मैंने ये कैमरा घुमा के दिखा रहा हूँ। लोग देख सकते हो ऊपर से इसका नज़ारा कैसा दिख रहा है। देखिए ये ठोकरा बंदा हिल का ऊपर से व्यू, देखिए कितना मस्त लग रहा है। वाह, देखिए। तो ऐसे ऊपर से मतलब मेरा घर आप लोगों को दिखाते, क्योंकि इतना नहीं दिख पाएगा, तब भी मैंने कोशिश करूँगा जूम करके देखा नहीं। देखिए ये जो घर दिख रहा है ना, दो घर एक साथ, ये मिडिल वाला मेरा, ये मिडिल वाला, देखिए ऐसे कैसे दिख रहा है। ये लग रहा है घर ही नहीं है, कुछ ऐसा ही है, ऐसा लग रहा है। इतना दूर से व्यू देखिए, देखिए कैसा लग रहा है। बहुत मज़ा आया मेरे को, आप लोगों को शायद मज़ा आया, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग। देखिए फ्रेंड्स, ये सब टॉप ऊपर में, इससे ऊपर और नहीं है, एकदम टॉप। देखिए फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आया यहाँ पे आने के बाद, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। एक कमेंट तो ज़रूर कीजिए कि कैसा लगा ये नेचुरल व्यू, टुकड़ा बंदा हिल का व्यू ऊपर से कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइए। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।